बहुत सही कहा अभिषेक, हम दोनों लाइक वी वर सो प्रिपेयर्ड कि अब तो गुरुदेव को आंसर देना पड़ेगा, बिकॉज हम दोनों अपनी फैमिली में इतना मतलब किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज्यादा एडवाइस नहीं लेते. हमारे लिए सिर्फ गुरुदेव ही है जो हमें कुछ बता सकते. ही इज लाइक माई फादर इज नॉट होम. जो मेरे पापा चले गए थे तो मैं रोई नहीं थी. मैं कौन सी एज में है? ही पास अवे 5 days बिफोर माई मैरिज, लेकिन मैं रो. टू शेयर दैट इंस्टेंस? सी माई फादर वो सिक फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, वी वर प्रिपेयर्ड काइंड ऑफ, लेकिन शादी से 5 दिन पहले जाना काइंड ऑफ हिलाने वाली बात थी. तो शादी भी हो गई, लेकिन फिर मैं आश्रम जब आई तो मैंने कहा गुरुदेव मैं रोऊंगी, नाउ माई फादर इज नॉट देयर एज ही वॉज सफरिंग, बट नाउ यू आर माई फादर, सो ही इज माई फादर. लाइक इनफैक्ट मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हमारे घर के जो बड़े बूढ़े एडवाइस देने वाले वो बस गुरुदेव का, और तो कोई नहीं है इस लाइक. यस, तो फिर उस दिन 10 मिनट गुरुदेव के साथ सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो गई थी लाइफ में, डाउट आ रहा था हर चीज पे कुछ तो ठीक क्यों नहीं है, सब कुछ तो कर. फिर 10 मिनट जब गुरुदेव से मिले तो वही हुआ जो आपने कहा कि ऐसा डर था भूल ना जाए, है ना? तो ऐसा डर था भूलना जाए, लेकिन क्या हुआ तो हम लेटर लिख के गए कि भाई गुरुदेव को बोल नहीं पाए भूल गए. तो मेरे हस्बैंड अपना लेटर, मैंने अपना लेटर, तो हमने सोचा बात तो हो नहीं पाएगी, इतने सारे लोग हैं हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो बोलना बहुत कुछ है. तो हम लेटर दे रहे, गुरुदेव के पास गए, लेटर पकड़ा है, तो गुरुदेव ने लेटर को जस्ट टच किया था एंड ही न्यू एवरीथिंग कि क्या लिखा था उसमें. और उन्होंने कहा अच्छा आगे बताओ, ये तो ठीक है लाइक, मतलब उन्होंने लेटर को टच किया नहीं तो हाँ अब आगे बताओ इसके बाद क्या कर. तो बहुत सारी कंप्लेन की, इट वाज लाइक मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ, वो बैठ गए चेयर पे और मैं कंप्लेन कर रही हूँ गुरुदेव ये वो ये, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ये, एंड ही सेट टू मिस चेयर एंड टोल्ड हाँ बताओ अब क्या करना है, ऐसे करो ऐसे करो. और लेटर तो ले लिया, बट उन्होंने 10 मिनट हमारी सारी बात सुनी. और जब उनके कमरे से बाहर निकले अभिषेक, इट वॉज लाइक अब सब ठीक है. एंड नो डाउट उस दिन से लेके आज तक, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, जबकि सब कुछ वही है. कभी एहसास ही नहीं हुआ, इतना कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग फियरलेस फील करने लगे बेसिकली हम लोग. और गुरुदेव से मिलने के बाद जीवा जो सिचुएशन जैसी है उसे स्वीकार किया और अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े.